हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर आर के मिश्रा, मैथमेटिक्स पॉइंट के डायरेक्टर। चूंकि अभी जो हम लोग का टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है इम्प्लिसिट फंक्शन, जो कि हम लोग केसी सिन्हा को फॉलो कर रहे हैं, और इसमें एक्सरसाइज 11.3 ये चैप्टर जो है स्टार्ट हुआ है, जिसमें कि हम बताए गए थे कि जो प्रीवियस चैप्टर हम लोग पढ़े, दैट मीन्स कि 11.1 और 11.2 जो केसी सिन्हा को फॉलो कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप प्रॉब्लम बनाइए। और अगर बाय द वे कहीं भी प्रॉब्लम में दिक्कत हो तो इस व्हाट्सएप नंबर से आप प्रॉब्लम को पूछिए, ऐसे प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। लगभग हम कंप्लीट जो है लगभग 80% हम कवरेज कर दिए, 20% वो आप अपने दिमाग से बनाइए। चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। चूंकि एक दिन फर्स्ट डे क्लास हो चुका है, कुछ कॉन्सेप्ट हम दे चुके हैं, तो चलिए आज हम लोग का शुरू होगा इम्प्लिसिट फंक्शन। देखिए इम्प्लिसिट फंक्शन में कुछ प्रॉब्लम करवाए थे, कुछ प्रॉब्लम जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो टाइप वन ही अभी चल रहा है, अभी हम लोग का जो टॉपिक में चल रहा है वो चल रहा है टाइप वन। टाइप वन में जो है, जिसमें हम लोग फर्स्ट तक सवाल देख लिए थे, अब हमको देखना है सेकेंड नंबर प्रॉब्लम से। चलिए सेकेंड नंबर प्रॉब्लम में हम लोग कहता है क्या कि फाइंड दैट डी वाई बटे डी एक्स, फाइंड डी वाई बटे डी एक्स ये निकालना है, जिसमें कि फर्स्ट नंबर सवाल है। इसको धीरे धीरे ही लेके चल रहे हैं, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू कितना है, तो पाई है, यही सवाल है। चलिए इस चीज़ को बनाने के लिए सबसे पहले देखिए क्या है, एक्स माइनस वाई एल एच एस भी है और आर एच एस भी है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इसको डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स करते हैं। सबसे पहले हम लोग चलेंगे क्या, लिखेंगे इसको डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, एल एच एस आर एच एस दोनों है, तो हम लोग लिखेंगे डी बटे डी एक्स, पहला किसका होगा एक्स का, माइनस डी बटे डी एक्स किसका होगा वाई का, इज इक्वल टू डी बटे डी एक्स किसका होगा पाई का। हम लोग जानते हैं कि दिस इम्प्लाइज एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है वन, वाई का तो बताए ही थे कि डी वाई बटे कितना होगा डी एक्स, और ऑलरेडी पाई क्या है कांस्टेंट है, तो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा जीरो। देयरफॉर हम लोग को डी वाई बटे डी एक्स को सेपरेट करना है, तो डी वाई बटे डी एक्स माइनस डी वाई बटे डी एक्स इधर आएगा तो क्या होगा माइनस वन हो जाएगा, वन को उधर भेजा, इसलिए डी वाई बटे डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया वन, यही चीज़ हमको डिफ्रेंशिएट निकालना। सिंपल इसमें है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ डी वाई बटे डी एक्स को आप क्या कीजिए सेपरेट कीजिए। चलिए इससे रिलेटेड और कुछ प्रॉब्लम को हम देखते हैं। इसी का दो नंबर सवाल क्या है कि जैसे मान लीजिए दिया है क्या, टू एक्स प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू कितना दिया है साइन एक्स, इसको हमको सेपरेट करना है। तो चलिए इसको हम सेपरेट करने के लिए क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट With respect to x, टू तो बाहर है, इसको क्या लिखेंगे d बटे डी एक्स, एक्स बीच में प्लस थ्री बाहर है, डी वाई बटे डी एक्स हो जाएगा, इधर कितना होगा d बटे डी एक्स, वो निकालना किसका है तो साइन x का। तो हम लोग जानते हैं टू x का डिफ्रेंसिएशन वन, थ्री y का क्या होगा डी वाई बटे डी एक्स, और साइन का डिफ्रेंसिएशन हम लोग जानते हैं कितना होता है कॉस एक्स, तो हमको डी वाई बटे डी एक्स को अलग करना है, तो क्या लिखेंगे थ्री डी वाई बटे डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस टू है तो इधर आएगा तो क्या होगा माइनस टू, देयरफॉर डी वाई बटे डी एक्स इज इक्वल टू ये थ्री नीचे आ जाएगा वन बटे थ्री कॉस एक्स माइनस, यही हो गया आंसर दो नंबर। चलिए अब हम लोग जो है इससे रिलेटेड थ्री है, थ्री एक देख लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा सवाल है। देखिए थ्री नंबर सवाल क्या है, इससे फिर उसके बाद बन जाएगा सब वाई प्लस लिखे हैं कितना साइन वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स, ये थोड़ा सा संस्कारी सवाल है। देखिए वाई प्लस साइन वाई इक्वल टू कॉस एक्स, संस्कारी इसलिए बोले कि इसको मजा आएगा बनाने में, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो हम लोग वाई है तो वाई का जानते हैं डिफ्रेंसिएशन क्या होगा डी वाई बटे डी एक्स, साइन वाई का क्या हो जाएगा कॉस वाई, फिर वाई आ गया तो वाई मैंने क्या होगा डी वाई बटे डी एक्स, और कॉस का हम लोग जानते हैं क्या होता है माइनस साइन एक्स, तो दोनों में क्या कॉमन आएगा डी वाई बटे डी एक्स कॉमन होगा, लिखेंगे वन प्लस कॉस वाई बराबर इधर क्या लिखेंगे माइनस साइन एक्स, देयरफॉर डी वाई बटे डी एक्स
इज इक्वल टू कितना होगा, माइनस साइन एक्स बटे वन प्लस कॉस एक्स हो गया आंसर। अब देखिए फोर्थ आपसे बन जाएगा, फिफ्थ भी बन जाएगा, एक सिक्स में प्रॉब्लम आपको होगा। तो अभी दो का सिक्स बना रहे हैं, इसमें क्या लिखा है, साइन स्क्वायर वाई बीच में प्लस, उसके बाद क्या है कॉस एक्स वाई, खाली अस्थिर से इसमें स्टेप बाय स्टेप समझिएगा, इज इक्वल टू कितना है पाई, मान लीजिए यही प्रॉब्लम है। तो देखिए सबसे पहले क्या है, साइन स्क्वायर वाई फंक्शन पे स्क्वायर है, तो ऑब्वियस है कि जब फंक्शन पे स्क्वायर है तो हम लोग बताए थे कि थोड़ा सा इसको हम लोग क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। तो साइन स्क्वायर वाई को हम लिख सकते हैं साइन वाई का होल स्क्वायर, अब बीच में प्लस कितना है कॉस एक्स वाई इज इक्वल टू कितना है पाई। चलिए अब हम लोग लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो ऑब्वियस है हम लोग क्या लिखेंगे, डी साइन वाई का होल स्क्वायर बटे नीचे में कितना होगा डी स्क्वायर खत्म, तो नीचे में कितना हो जाएगा साइन वाई, फिर होगा डी साइन वाई आप बटे कितना हो जाएगा डी एक्स, बीच में फिर पहले फंक्शन और फंक्शन पे चले डी कॉस एक्स वाई, नीचे में कॉस कैंसिल एक्स वाई डी एक्स वाई बटे डी एक्स, और इधर डिफ्रेंशिएशन किसका होगा डी बटे डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे मेरे पास डिफरेंशिएशन क्या होगा पाई का, सिंपल हम तो देखिए साइन वाई का होल स्क्वायर है तो एक्स पे पावर एन, हम लोग एक फॉर्मूला पर हैं क्या होता है एन एक्स एन माइनस वन, तो एन के जगह क्या हो जाएगा टू साइन वाई पे पावर टू माइनस वन, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा कॉस वाई, और वाई का हम लोग जानते हैं डी वाई बटे डी एक्स बीच में प्लस। फिर देखिए हम लोग का क्या है यहाँ पे कॉस एक्स वाई है, तो हम लोग कॉस का जानते हैं कॉस का क्या होता है माइनस साइन एक्स वाई, फिर इधर देखिए फिर एक्स वाई होगा यू इंटू वी, तो एक्स रहा वाई का होगा डी वाई बटे डी एक्स प्लस वाई रहा तो एक्स का वन, और पाई का क्या है कॉन्स्टेंट का यहाँ पर क्या हम लोग लिखेंगे तो दैट इज कॉल्ड जीरो। चलिए हम लोग इसको लिख सकते हैं टू साइन वाई दो माइनस एक एक हो जाएगा इंटू कॉस वाई डी वाई बटे डी एक्स बीच में माइनस साइन कितना होगा एक्स वाई इंटू एक्स डी वाई बटे डी एक्स फिर माइनस वाई साइन कितना हो जाएगा एक्स वाई इक्वल टू जीरो। तो हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं टू साइन वाई इंटू कॉस वाई क्या होता है साइन ऑफ टू वाई इंटू कितना होगा डी वाई बटे डी एक्स फिर माइनस एक्स ये आगे कर देते हैं एक्स साइन एक्स वाई डी वाई बटे डी एक्स इज इक्वल टू इसको इधर भेज दीजिए वाई साइन कितना होगा एक्स वाई। तो हम लोग 100% है कि डी वाई बटे डी एक्स कॉमन लेते हैं यहाँ पर कितना हो जाएगा साइन टू वाई माइनस एक्स साइन एक्स वाई इज इक्वल टू वाई साइन कितना होगा एक्स वाई। टीयर फोर डी वाई बटे डी एक्स इज इक्वल टू वाई साइन एक्स वाई बटे नीचे में हो जाएगा कितना साइन टू वाई माइनस एक्स साइन एक्स वाई ये आपका कंप्लीट हो गया। चलिए यहाँ तक हम लोग बनाए, दो का लगभग छः सवाल था, लगभग तीन चार हम बता दिए। अब आते हैं थर्ड नंबर, आज थर्ड तक ही हम लोग वर्कआउट करेंगे तब वन डे का एक दिन का और क्लास होगी बस कंप्लीट हो जाएगा, दो तीन दिन का धीरे धीरे ये थोड़ा सा टॉपिक अच्छा है। अब देखिए थ्री थ्री का फर्स्ट देखिए क्या बोल रहा है कि y इज इक्वल टू साइन x प्लस वाई, ये इम्पोर्टेंट है, इसमें करना है डी वाई बटे डी एक्स। चलिए हम क्या लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, तो हमको लिख सकते हैं डी बटे डी एक्स वाई का इज इक्वल टू डी साइन x प्लस वाई बटे डी साइन कैंसिल एक्स प्लस वाई, सेम है फंक्शन ऑफ फंक्शन पे इनवर्स इसी से रिलेटेड है, सिर्फ इसमें हमको सेपरेट करना। चलिए ये कितना हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स, साइन का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा कॉस एक्स प्लस वाई, फिर देखिए एक्स का वन और वाई का क्या होगा डी वाई बटे डी एक्स। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या चीज़ डी वाई बटे डी एक्स बराबर कॉस एक्स प्लस वाई इंटू वन वन ए होगा, फिर इसको लिख सकते हैं कॉस एक्स प्लस वाई
डी वाई बटे डी एक्स, इसको इधर लेते आइए, तो हम लोग लिख सकते हैं डी वाई बटे डी एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस वाई, डी वाई बटे डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस वाई। तो हम लोग कॉमन क्या लेंगे, डी वाई बटे डी एक्स कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा वन माइनस कॉस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू इधर क्या बचेगा कॉस एक्स प्लस वाई, देयर फोर डी वाई बटे डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस एक्स प्लस वाई बटे वन माइनस कॉस एक्स प्लस वाई। इजी है, कहीं कोई दम नहीं है, इसी तरह सब सवाल बनाएंगे। हमको लगता है कि इसमें लगभग आपके पास जो टेंथ, सिर्फ इसमें ध्यान रखना है कि स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेट करना है, अदरवाइज कहीं कुछ कोई भी सवाल में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसा करते हैं कि एक सवाल और बना, देखिए दो तीन इसी तरह है, दो चार भी सेम है, फाइव भी उसी तरह। देखिए जैसे मान लीजिए कि थ्री का पाँच, पाँच छः दस सवाल है इसमें, तो मान लीजिए कि हम लोग टेन ही चलते हैं, थोड़ा सा ये अच्छा सवाल है, बाकी तो सब तो इजी ही लग रहा है कहीं कोई। तो ऐसा करते हैं एक दो और बता देते हैं, हम लोग फाइव ही जैसे मान लीजिए बनाते हैं। फाइव में क्या है कि एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है टेन एक्स वाई। देखिए ऐसा सवाल हम लोग जस्ट अभी बनाए हैं, सेम सवाल है, साइन स्क्वायर वाई कॉस स्क्वायर वाई कॉस एक्स वाई है, तो वहाँ पे सिर्फ टेन एक्स वाई है सेम। देखिए इसको अगर डायरेक्ट हम लोग करते हैं तो हम लोग डायरेक्ट करके बताते हैं, समझिएगा इसको क्या लिखेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा वन, वाई का कितना होगा डी वाई बटे डी एक्स, टेन का हम लोग जानते हैं क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स वाई, फिर देखिए क्या होगा एक्स रहा तो वाई का डी वाई बटे डी एक्स प्लस वाई रहा तो एक्स का क्या हो जाएगा वन, बस कंप्लीट। अब इसको क्या लिखेंगे डी वाई बटे डी एक्स, इस पोर्शन को जब एक्स से गुना करेंगे वन प्लस है, तो इसको एक स्टेप और लिख देते हैं, एक्स से गुना कीजिए एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स वाई डी वाई बटे डी एक्स, बीच में प्लस वाई इंटू सेक स्क्वायर कितना हो जाएगा एक्स वाई। अब देखिए इस पोर्शन में और इस पोर्शन में क्या कॉमन आएगा डी वाई बटे डी एक्स, हम लोग डी वाई बटे डी एक्स कॉमन ले लेते हैं, क्या हो जाएगा वन माइनस एक्स सेक स्क्वायर एक्स वाई इज इक्वल टू यहाँ पर क्या बचा वाई सेक स्क्वायर एक्स वाई माइनस वन, तो देयर फोर हम लोग लिख सकते हैं डी वाई बटे डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वाई सेक स्क्वायर एक्स वाई माइनस वन, और नीचे क्या हो जाएगा वन माइनस एक्स सेक स्क्वायर एक्स वाई, हो गया आंसर। आप लोग इतना देर बनाइएगा प्रॉब्लम, इसके बाद जो डाउट होगा, लगभग थ्री में जो है टेन प्रॉब्लम है और टू में जो है सिक्स है, तो लगभग सिक्सटीन प्रॉब्लम है, हम जिसमें कि पाँच छः प्रॉब्लम बताए, दस आप बनाइए धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप, खूब इजी मूड में बनाइए। और चूंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है तो इससे कहीं कोई टेंशन नहीं लेना, चार से पाँच महीने में सिलेबस को खूब अच्छी तरह से कंप्लीट कर दिया जाए, ये वीडियो कंप्लीट चलते रहेगा। और हो सकता है कि पाँच तारीख से आपका जो है पहला वीडियो में भी अलेबंद का डेमो क्लास शुरू हो, तो अगर कोई मित्र हो कोई और कोई अगल बगल के भी हो तो ज़रूर उनको, या भाई हो जो भी हो तो उनको ज़रूर शेयर कीजिएगा और दोस्तों को जोड़िएगा। इससे इससे आपको दो बेनिफिट है, एक तो आप उसको अगर लिंक भेजते हैं तो उससे रिलेटेड अगर उसको कोई डाउट होगा तो पहले वो आपसे पूछेगा और आपको आप एक बार रिवीजन हो जाएगा, पुनः फिर आपको कोई डाउट होगा तो हमसे पूछेगा, दैट मीन्स कि आपका दो बार रिवीजन हो जाएगा। तो आज के लिए धन्यवाद, और अलेवन मतलब कि पाँच तारीख से उम्मीद है कि अलेवन का फर्स्ट डेमो क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं, और कोई भी मित्र हो सहयोगी हो तो ज़रूर उसको शेयर कीजिएगा। धन्यवाद आज के लिए वॉचिंग द वीडियो, और सब्सक्राइब कीजिए शेयर कीजिए, इससे हमको भी कॉन्फिडेंट मिलेगा। थैंक यू, धन्यवाद आज के लिए।